ऐसे क्या देख रहे हो? सच खुशी, तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया को पा लिया हो। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई कम नहीं। ऐसे मत कहो ना, मरे तुम्हारी दुश्मन। हेलो भाभी जान। अच्छा लग रहा है ये। अरे ये तो बहुत बड़ा उठाई गिरा है, हमारे साथ हमारी बैंक में काम करता है, रास्ता चलते बिना शादी के लोगों से रिश्ते बनाता है। ए, उठ, उठ, इधर इधर आके भाई चल। और क्या भाभी जान, भाभी जान, भाभी जी नहीं बोल सकते? अरे भाभी जान का मतलब है जान से प्यारी, भाभी हमारी। भाभी हमारी नहीं, भाभी तुम्हारी, जान हमारी। और तुम यहाँ फूट लो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, चल उठो। अरे जाओ उधर, कमाल आदमी हो यार। मैं क्या सत्यकाल पादशाह, क्या तकलीफ है सरदार जी? तकलीफ नहीं है, मैंने सोचा भाभी के साथ में बल्ले बल्ले ते आऊं आऊं कर लूं। अरे शर्म नहीं आती आपको? भाभी जी के साथ बल्ले बल्ले ते आऊं आऊं करोगे? ओ मैं डांस की बात कर रहा हूं। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हाँ। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी बीवी के साथ बल्ले बल्ले आऊं आऊं कर लूं तो कैसा लगेगा? हाँ तो कर लो, शौक से कर लो, सामने खड़ी है, कहो तो एक्सचेंज कर लेते हैं। क्यों? अजीब आदमी हो। हम तो प्यार बांटने वालों में से हैं। वो गाना नहीं सुना, प्यार बांटते चलो ले ये। प्यार तुम यहीं पर बांटो और हम चलते हैं, चलो। लोग यहाँ रोमांस भी नहीं करने देंगे, साले कहीं मरे कहीं भूत हो। लगता है सारा प्यार मुझे बांटना पड़ेगा। मेरे होते हुए तुम टीवी से दिल लगा रहे हो? अरे कौन कम वक्त टीवी से दिल लगा के रखता है, अब आप आ गई हैं तो आपसे दिल लगा लेता हूँ, ये देखो। पार्टी में खाना नहीं खाया था ना? जी जी, इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। अरे तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो खुशी। हाँ? तो क्या कोई भार वाली रखेगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी की जरूरत थी कसम से, जो सुंदर हो, सुशील हो, समझदार हो और पति का ख्याल रखती हो। अरे मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? अरे पता नहीं कौन होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन रह ला है? अरे आप उनको छोड़, वो जो आइटम रहती है ना उसको फोन दे। कौन है? कौन आइटम? वो खूबसूरत भाभी यार। ए भाभी नहीं, वो मेरी बीवी है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल उसको फोन दे। क्या क्या काम है? उसको थोड़ा छेड़ने का है। ए फोन रख, साले तेरे घर में तेरी बीवी नहीं है जो दूसरों की बीवियों को छेड़ता फिरता है। एप, 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 काट दिया, पूरी बात तो सुन ले। पता नहीं कौन है, हमेशा फोन पर ही तंग करता रहता है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि वो घर पे आके तंग करे? हा? एक बार इसका पता मिल जाए इसका वो हाल करूंगा साला दूसरे किसी को फोन करने लायक ना रह जाए। अरे लेकिन हम लोग खाना खाते हैं ना, अपनी रात बर्बाद नहीं करनी है। मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। अरे बाप रे, आ रहा हूँ ना। अरे घोड़े पर सवार हो क्या? काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला। भौजी, ओ भौजी। ए बेसुरी कैसेट, इधर उधर ताका झाकी क्या कर रहा है? भौजी भौजी। अरे भाई भौजी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? अरे दूध जो देना है। तो ये तुमको दिखाई नहीं देता, ये इसमें दो ना। ओ भाई आप कौन है? अच्छा भौजी को पहचानते हो, भैया को नहीं पहचानते? वो कहा है कि सुबह सुबह जब हम भौजाई का मुखड़ा देख लेते हैं ना तो हमारा सारा दिन बहुत बढ़िया जाता है। भौजी चलो अब बाहर चलो। अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर कैसे जा सकते हैं? हाँ वो तो है। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे भौजाई का मुखड़ा देखे बगैर हमारा दिन नहीं अच्छा जाएगा भाई। ये वाला दिखा। अच्छा ये वाला? ए भाई ये हाथ छोड़कर भी अंगूठी दिखा सकते हो? दिखा सकते हो ना, हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई जाती कहीं? थोड़ा ले जाओ इसे, चलो चलो। क्या कर रहे हो, बैठो तो सही। अरे इनको तमीज नहीं है कैसे अंगूठी दिखानी चाहिए। वो हार दिखाओ भाई साहब, वो हार दिखाओ, वो हार। वो थोड़ा महंगा होगा जी। मैडम खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। अब मैं आपको हार यान नजदीक से। सो ब्यूटीफुल। क्या क्या क्या
क्या घुस जाओगे क्या? हार पहनाते ऐसे? तो क्या पहना रहा हूँ सर, हमारा काम है बेबी को पहनाने का। क्या खुशी खुशी, इनका नाम खुद खुशी है। तुम हार पहना रहे, हनीमून की तैयारी, इससे अच्छा मंगलसूत्र पहना देते। दुकानदार हो क्या? क्या कर रहे हो? चलो तुम हो क्या? चलो साले ठरकी, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। कल कल वाओ क्या माल है बाप, एकदम रैप्ची का आइटम है। जवानी के झटके अलग पलट, भाई के आइटम है चुप्पे। ओ भाई भाई उधर देखो भाई, वाओ क्या माल है भाई, बहुत सॉलिड आइटम है यार। सबसे सॉलिड आइटम था भाई। पलट तो सही है भाई, भाई क्या सही आइटम है, और बटले के साथ क्या रैप्ची का आइटम है भाई। सर ये तो चिंकी से भी भारी आइटम है यार। दस बहाने करके ले गया दिल, ले गया दिल, दस बहाने करके। आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। नहीं रहने दीजिए ना, हम जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जरा घर जाओ, मैं इनको देख के आता हूँ। ओके ख्याल रखना। ओके बहाने कर भाई। आ रहा भाई, आ रहा। अंडे से बाहर कब आए तुम लोग? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है बाबू, जो अपने भाई है ना भाई, उसका दिल आ गया है। जरा सेटिंग करा देना यार, जो भी ए, मैं कोई मजनू नहीं हूँ, पति हूँ। पति? पति किधर से पति है भाई? अबे जहाँ से प्यार शुरू होता है वहाँ तो तू खत्म हो जाएगा। क्या समझते तुम लोग? समझते हैं? हाँ। भाई वही है जो फोन पे अपने साथ बात कर रहा था। अच्छा तो तुम लोग फोन पे बात करते थे? Yes! तुम लोग फोन पे बात करते थे? Yes! क्या करेगा मैं, तू क्या करूँगा? साले मार डालूंगा, काट डालूंगा, साले मोहल्ले में दिखने के काबिल नहीं रहेगा। अरे तुम कितना सजोगी, कितना पागल करोगी, पूरा मोहल्ला तुम्हारी शक्ल देख देख पगलाया हुआ है। इसलिए देखो खुशी, मेरी बात समझ लो, आज के बाद इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लिसन, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। कैसे नहीं रहोगी, कैसे नहीं रहोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। What the hell is wrong with you? कितनी शराब पिया तुमने? सिंह साहब क्या कर रहे हैं आप, गलत जगह हाथ मारे हैं, आपकी बीवी नहीं है ये। मैं इनकी पत्नी हूँ। सॉरी भाभी जी, सॉरी सर, वो गलती से इमेजिनेशन में हमने ये इमेजिन कर रहा है, वो भी शराब पी के। भाभी भाभी हम इनको जानते हैं, दिल के बड़े अच्छे आदमी। अरे ये क्या करे, हमेशा कहते रहते हैं भाभी जी बड़ी ब्लडी फूल हैं। ये ब्यूटीफुल हैं, मैंने कभी नहीं ब्लडी फूल बोला। नौकरी खाओगे क्या हमारी? ब्यूटीफुल हैं भाभी जी। शट अप, बकवास कर रहे हो। और तुम इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया था? हमें माफ करें। और ये आदमी भाभी जी माफ करिए, अपनी वाइफ के रूप में इमेजिन कर रहा है और क्या क्या बकवास कर रहा है। शट अप, और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। You are shameless, Prem. You are shameless. Sir, sir, हम संभाल लेंगे। चलो, sir, बारी का मेरे सामने से ले जाओ। Sir, माफ करिए। Get out and don't come back.